A very warm welcome, sir. Shri Abhijit Rane ji, ladies and gentlemen, a big round of applause. Karan, sir, सामने, sir. Karan, आओ. Yes, sir, look here. Yeah. Sir, look here, sir. Sir, sir. Yes, sir. इट्स ओनली बिगनिंग. अब तो आपको लाइमलाइट में ही रहना है. आपके गुरु पंडित त्रिलोकी जी आज लोग आए हुए हैं, वो पहले तो हम उनका स्वागत करेंगे. अभी जो जिनसे आपने मुलाकात की है, अभिजीत राणे, कौन नहीं जानते इनको, और हमारे फैमिली मेंबर हैं, ये घर के लोग हैं, बड़े सुरीले लोग हैं. श्याम श्रॉफ साहब, इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर, और इतने खूबसूरत इंसान और सुरीले लोग. त्रिलोकी प्रसाद जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट नेम्स इन म्यूजिक इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. That takes me to people who are directly involved with the making of the song and the video. Please put your hands together for music arrangers Hitesh, Dharmesh and Sanjay Ji Jaipurwale. And now I request our esteemed guests to join us for the launch of the poster. I request Shri Abhijit Rane ji to please come forward. Count of 10, I guess, Karan. नहीं, वो 10 तो वो स्क्रीन ही होगा. अभी पहले भी पोस्टर रिवील करते हैं. ऑलराइट. पहले एक हम लोग फोटो लेते हैं. ओके. We also acknowledge presence of finest media persons here. That's good, very good. So Karan, we really wish this is beginning of a glorious, glorious career ahead, and that we'll have to wait in line to have your autograph. Yes. Yes. Song in playback industry of Mumbai. सामने देखिए सर, फोटो फोटो. सर कंग्रेचुलेशन. ओके सर, थैंक्स सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स. सर सामने सेंटर फोटो खींचते हैं अच्छी तरह. फोटो करो. या फोटो करो. अच्छा लग रहा है. ये अच्छा लग रहा है एकदम. बढ़िया सर. अभी एक सेकंड. सेंटर पहले ये फोटो फोटो.
फोटो प्लीज। यस जी, अभी अभी और एक छोटा करते हैं। यहाँ पे देखिए, सेंट्रल मीडिया आप दोनों थोड़ा सा करण, थोड़ा सा ऐसा बार ये आना है। सामने देखिए, सामने देखिए एकदम। करण कुमार राजानी और करण कुमार राजानी पंडित त्रिलोकी प्रसाद जी किया है। अभी हमारे मीडिया भाइयों की जिम्मेवारी है कि इसे आम जनता तक आप पहुंचाएं और बहुत प्यार मोहब्बत से आप हेलो ये काम कर रहे हैं। पोस्टर आने दो ना, दोनों साइड में आप पंडित जी इस तरफ। हो गया पोस्टर हिंदुस्तान। यहाँ पे देखिए, सामने देखिए सर, सामने देखिए। आप ही के होल्ड 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 और आप ही के जरिए मुमकिन। ओके सर, सुहेल यहाँ सर लुकिया सर यहाँ सर। ओके सर, सर यहाँ पे सकती मेलोडी तो मेलोडी है तो। और इसरार ने इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे कि जब से तुझे देखा है एक पल को जाहिर किया है। कहते हैं कि पल में आदमी जो है क्या से क्या हो जाता है, अच्छे से बुरा हो जाता है और बुरे से अच्छा हो जाता है। तो ये पल जो तो मैंने कहा कि एक पल में जो ख्यालात जो है वो तुम्हारे बदल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये गाना अच्छा लगा और आप सब लोग जो आए हैं इसके लिए बहुत बहुत आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। और आशीर्वाद दीजिए दिल से कि करण जो है जिस सफर में शुरू हुआ है उस सफर में उसे कामयाबी मिले। और अभी इस गाने के खत्म होने के बाद में जी म्यूजिक पर ये गाना लॉन्च हो चुका है तो। और इसमें जैसे शार ने अपना पूरा खून दिल से निचोड़ दिया था उसी तरह से हमने भी कंपोजिशन में उसी तरह से उस चीज को पिरोया है। और हितेश धर्मेश और संजय जयपुर वाले वो उन्होंने भी अपना कमाल दिखाया। आ गए क्या? अच्छा आइए आप बैठिए, जयदीप जी आइए बैठिए। क्या है उनके लिए भी जरा जोरदार तालियां हो जाए सनी भाई के लिए। और जितना जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वो इस वीडियो को जो डायरेक्ट किया था राजीव ठाकुर जी, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर। और जैसे मैंने उनको कॉन्सेप्ट अपना समझाया उन्होंने उसको पूरा 100% किया है। और राजीव जी के लिए भी जरा जोरदार तालियां हो जाए और मुस्कान के लिए भी, खासतौर पर मुस्कान के लिए भी। आओ माँ अब माँ बस यही कह सकता हूँ कि कितनी भी अच्छी लिरिक्स हो अगर उसको सही से कंपोज ना किया जाए तो उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। और उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट आता है कि सिंगर उसको बहुत अच्छे फीलिंग से गाए और फिर उसके बाद अरेंज हो अच्छा, रिकॉर्ड अच्छे तरीके से हो। मेरे पिता भी हैं, मेरे गुरु भी हैं और बहुत जिसे कहते हैं लेजेंडरी आर्टिस्ट भी हैं। तो जोरदार तालियां पहले तो ब्यूटीफुल मेलोडी थी और इन्होंने कमाल का चैलेंज दे दिया कि बोला कि बिल्कुल नए किस्म से नहीं करना, इसके अंदर वो 90s और 2000s की झलक रहनी चाहिए म्यूजिक के अंदर, जो एक मेलोडी और जो एक दौर था जो बहुत ही डोमिनेंट था जिसमें म्यूजिक और मेलोडी डोमिनेंट थी रादर देन साउंड और यू नो अरेंजमेंट्स ग्रूव और ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट ना। तो काफी सोचा हम लोगों ने और उसके बाद वी केम टू अ कंक्लूजन। और संजय हु इज एन अमेजिंग प्रोग्रामर, जो उनका फोटो है मेलोडी बहुत बहुत कमाल हार्मनीज और वो सब बहुत अच्छा करते हैं वो। तो वी केम टुगेदर और डिसाइड किया कि इसको उसी जोन में रखते हैं कि जिसके अंदर उसकी मेलोडी को कहीं पे भी हैम्पर ना हो और जो कॉम्पोजिशन है जो लिरिक्स है उसका जो एक्सप्रेशन है उसकी जो वैल्यूज है उसका जो फील है वो बरकरार रहे। ऐसा सवाल कर दिया कि जिसका जवाब तो है नहीं। शायर और एक्टर दोनों
ऐसी मतलब चीजों को जो कभी देखी भी ना हो, महसूस भी ना की हो, और उसको भी सोचना पड़ता है। कोई जरूरी नहीं कि मतलब कोई सामने हो फिर उसको सोचे, उसको देखें, फिर इमेज क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत। शायरी और एक्टिंग वही तो चीज है, तो बस बहुत अच्छे इसरार जी। जी जी शुक्रिया। करण द मैन ऑफ द मोमेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल द एस्टीम्ड मेंबर्स फ्रॉम म्यूजिक फ्रेटर्निटी एंड फिल्म इंडस्ट्री, रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ मीडिया एंड ईच एंड एवरीवन हु इज प्रेजेंट ओवर हियर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। आई होप आप सबको सॉन्ग पसंद आया हो, राइट? या थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। वेल, ये कहने वाली बात है, राशि जी की ये सॉन्ग मेरा है, जैसा हितेश जी ने कहा, गुरु जी ने कहा, ये पूरा सॉन्ग जो है इसमें हर एक इंसान ने अपनी पूरी मेहनत की है और दिल से की है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तरह, सिर्फ एक पर्पस सॉल्व करने के लिए ये नहीं बनाया गया है। अगर मैं आप सबको इसके बारे में एक छोटी सी कहानी बताऊं, तो ये सॉन्ग की शुरुआत एक साल पहले हम लोगों ने की थी। इसके रिहर्सल्स, अरेंजमेंट, सारा कुछ, रिकॉर्डिंग लगभग एक साल हो गया इसकी, हमने परफेक्ट लोकेशन सारा कुछ इसके ऊपर हमने काम किया। एंड यस, जो टीम अभी हमारे सामने है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पर काम किया है। द टीम फ्रॉम चंडीगढ़, मनाली, द लोकेशन वॉज मनाली जहाँ हम लोगों ने सॉन्ग शूट किया है, वहाँ की टीम, द डायरेक्टर्स, द फीमेल लीड, हर किसी ने, एडिटर, एवरीवन, डीओपीज, हर किसी ने बहुत दिल से इस पर काम किया। मुझे कहीं नहीं लगा कि मुझे कहीं भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, सो दैट वॉज रियली बिग थिंग फॉर मी। एंड यस, ये सिर्फ मेरा सॉन्ग नहीं है, असल में देखा जाए तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट, इसकी सारी चीजें जो है वो गुरु जी की हैं। और यस, प्लीज गिव इट अप फॉर गुरु जी। या सो दिस वाज प्रीटी मच व्हाट। एक बात कहना चाहूंगा मैं, कहते हैं कि गुरु तीन किस्म के होते हैं, एक होता है कि खुद भी डूब जाता है और चेले को भी डूबे देता है, एक गुरु ऐसा होता है कि खुद तो पार हो जाता है चेले को डूबा देता है, एक गुरु ऐसा होता है कि खुद भी पार होता है और चेले को भी पार करता है। तो कोशिश करते हैं कि ये भी अपना एक सपना लेके आया है और बहुत प्यारा बच्चा है, सीखता है, और बनने की ख्वाहिश थी तो मैंने कहा अगर तुम बनना चाहते हो तो मैं बनाऊंगा तुम्हें। तो आज मेरी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक अच्छी चीज बन के सामने आई, और कामयाबी तो मालिक देने वाला है। जब से तुझे देखा है अभी से, करण कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत खुश नसीब हैं कि ऐसे उस्ताद मिले आपको, और बहुत कम सिंगर्स को ऐसा मौका नसीब होता है कि उस्ताद ही उन्हें आगे सपोर्ट करते हैं, लेके आते हैं इस मकाम तक। और अभी तो उस्ताद ही नहीं मिले, लेकिन आप सबको सुन सुन के थोड़ा बहुत सीखा है, और यहाँ पे इतने महान लोग बैठे हैं, प्रदीप जी, जीतू भाई, त्रिलोक सर, दिलीप सर, बहुत सारे बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो इनको देख देख के और इनसे डर डर के छुप छुप के सीखा है, और जब इनसे मिलते हैं कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। यू आर सो लकी एंड आई एम टेलिंग यू, आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और अंजाम भी बहुत अच्छा होगा, बहुत सारी विशेष आपको, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सबको नमस्कार, प्रणाम, बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और आशीर्वाद हुआ है। तू कहाँ जा रहा, खड़ा हो रहा, तो फोटो नीचे की तरह तेरा भी नाम हो जाएगा। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि जिन परिवार से इंडस्ट्री चली, आज की नहीं इंडस्ट्री, जब से बनी है, जब से आपको उन परिवार का साया मिला, उनका आशीर्वाद मिला, यार बहुत बड़ी बात है। इन लोगों के साथ मेरे बड़े भाई साहब हैं, गुणी हैं, पूरा परिवार ही गुणी है, मतलब ये इस परिवार के लिए क्या कहूँ, मेरा परिवार और इनका परिवार मतलब सदियों से है, और संगीत हमारी खून में भी है, रग रग में भी है, सांसों में भी है, धड़कन में भी है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज का जो दौर चल रहा है संगीत का, मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि मैं संगीतकार होने के नाते कुछ
किसी की बुराई करूंगा, बुराई करते नहीं है, मगर आज के दौर को बदलने की जरूरत थी और वो भाई साहब ने शुरुआत कर दी है। हालांकि लोग मुझसे भी कहते हैं कई बार के भाई दिलीप सिंह जी नब्बे का संगीत, मैंने बोला भाई वक्त आएगा। तो मुझे खुशी है कि मेरे बड़े भाई साहब ने त्रिलोक मिश्रा जी ने इस बात को शुरुआत कर दिया। करण जी बहुत भाग्यशाली है कि आपने की अरकान राइटर साहब कहाँ गायब हुए इसरार, अरे आजा टोपी लेके इधर आजा फोटो खिंचा लेते हैं। ये मेरा भाई इतना लाडला भाई है कि कई सालों से इसकी उम्मीदें थी कि हम मेरे साथ काम करे तो मेरे परिवार के साथ काम करे। हाँ तो आइए तो सही है ना, इतनी प्यारी मेलोडी, इतना प्यारा अरेंजमेंट बच्चों ने किया है। अरे हितेश जी तो आजकल मैं बता दूं कि अभी दिलीप सिंह जो थोड़ा बहुत आपको यंग बॉय लग रहा है ना, इसमें सबसे ज्यादा हाथ है हितेश जी का, क्योंकि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ जितना भी वो बिना हितेश जी के नहीं। कहाँ गए हितेश जी? आओ ना यहाँ, इधर आओ ना। ये तो भाई साहब ने इतना ऊपर बिठा दिया मुझे कि जैसे ऊंट पे बैठा हुआ। मैं इतना ही कहना चाहूंगा करण साहब, आप कहाँ चले करण जी? लगे ये वो शख्सियत है जो कि दिलीप सिंह समीर सिंह के कामों में आपको अच्छे सुना आप लोगों ने। करण जी बहुत ही अच्छा गाना रहा, बहुत ही अच्छा पिक्चराइजेशन हुआ। सबसे अच्छी बात यह कि जितने अच्छे प्यारे शब्द आपने लिखे, कंपोजिशन में इतना ठहराव है जो कि आज की डेट में सुनने को नहीं मिलती है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये गाना आज तो हम यहां कुछ चंद लोग सुन रहे हैं, आने वाले कल या आज से ही हर घर में ये सुनाया जाए सुना जाएगा और लोग इसको फिर से सुनेंगे। ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना, भोलेनाथ से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है कि बस कामयाब हो। और इस वक्त मैं आपको एक बहुत ही सुपरस्टार जो हमारे हैं महाराष्ट्र के लाडले धड़क कामगार के, मैं बता दूं कि ये ऐसा शख्सियत है कि ये कलाकारों के प्रेमियों के प्रेमी हैं, बहुत कम जगह जाते हैं। आज इन्होंने, अभी मैंने पूछा कि आज कैसे, बोले भैया कि वो प्रभु जी के यहाँ जाना है तो मैं आया। तो ये वाकई बहुत बहुत प्यार है इनका, और वाकई एक होता ना कि रिश्ता, तो रिश्ता जो है वो दिल से होता है। आदमी आदमी से मिलता है, दिल कम किसी से मिलता है। क्या बात, तो दिल जब मिल जाता है तो ये दिल मिली हुई बातें। तो अब मैं चाहूंगा अभिजीत जी दो शब्द बोले। संगीत क्षेत्र के सभी भीष्म पितामह यहाँ पर हैं और मैं एक विद्यार्थी दशा में यहाँ पर आया हूँ और मैं निश्चित तौर पर इन सब का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। बहुत से लोग मुझे जानते नहीं होंगे, जो जानते हैं मैं ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट हूँ और देश के लगभग 7 लाख से अधिक वर्करों का नेतृत्व करता हूँ। और निश्चित तौर पर ये सभी महा विभूतियाँ हैं, पंडित जी, दिलीप सिंह जी, और ये मेरा परिवार है। बहुत से लोग मुझे जानते भी हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस अच्छे इनॉग्रेशन प्रोग्राम में मेरा प्रेजेंस यहाँ पर रहा और मुझसे जो चीजें जो होगी वो निश्चित तौर पर गुरुजी पंडित जी के आदेश पर निश्चित तौर पर हम करेंगे। आई कॉन्ग्रेचुलेट करण एंड हिज एंटायर टीम, बेस्ट ऑफ लक, और हमेशा मैं आपके साथ में हूँ। पूरी फिल्म कब दिखाएंगे आप? जब आपका हुक्म होगा पूरी फिल्म दिखाएंगे। क्या बात, पूरी फिल्म दिखाई तो उसको रिलीज कर देंगे। बिल्कुल, क्या बात। श्याम जी के बारे में मैं आपको कहूँ, बॉम्बे के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर और बहुत ही इज्जतदार फिल्म इंडस्ट्री के भीष्म पितामह है। ये श्रृंगार फिल्म्स के नाम से इनकी कंपनी है और मैं चाहूंगा कि दो शब्द कहे वो आज के गाने के लिए और इस बच्चे के गाने। सर मुझे गाना आपका बहुत बढ़िया लगा, नो डाउट अबाउट इट, बहुत ही वाकई बड़ा सूदिंग और स्मूथ गाना था और पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा हुआ उसका। और जैसे मैंने आपसे ऊपर पूछा तो आपने कहा मनाली, वो मनाली लग नहीं रहा था पहले तो मुझे स्विट्जरलैंड लग रहा था। बहुत अच्छा बना और बड़ी खुशी है कि एक सिंधी हीरो को आप लेके आए भोपाल सिंधी डिस्ट्रीब्यूटर और अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। जरूर होगा जुगनू जी, इनको तो मैंने बचपन से देखा। इनको मैंने बचपन से, जब ये छठी क्लास में थे उस टाइम से आज तक देख रहा हूँ। इतने महान कलाकार, खानदानी, जयपुर घराना, म्यूजिक की इतनी समझ, और मैं इनको इतना सुना है
कि मैं सपनों में भी इनके गाने सुनता रहता हूँ। मैं मालिक से, आप आए हुए सब सज्जनों से, मित्रों से, सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप भगवान के आगे हाथ जोड़िए और ये इतनी खूबसूरत एल्बम बनी, इतना खूबसूरत पिक्चराइज हुआ, इतनी अच्छे लिरिक्स हुए और इसमें त्रिलोकी प्रसाद जी का इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप सब जोर से तालियों से इनका स्वागत करिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। पंकज जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। गुरु जी प्रणाम सबको। करण, अमेजिंग जॉब डन, वेरी 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 ब्यूटीफुल। आई एम सो प्राउड दैट आई केम हियर। गुरु जी मजा आ गया। हितेश, रमेश, लवली लवली जॉब डन, बहुत अच्छा लगा गाना। बहुत लिरिक्स तो मैं सरार भाई गाने आपके बहुत गाने सुनता हूँ, मैं गुरु जी से सीखता हूँ। और जब भी गाना गाते हैं हम लोग, जब हम सीखते हैं गुरु जी से, तो हमेशा आपका मेंशन करते हैं, तो बहुत खूब लिखा है। शुरुआत हुई है अभी, देखिए इंशाल्लाह। जी जी, आपने बहुत खूब लिखा है। और बोला ना कि अभी मेलोडी का दौर अभी यहाँ से शुरू। जी जी जी, बहुत बहुत सुंदर लिखा है, बहुत कमाल की मेलोडी। मैंने तो सुना हुआ था पहले गुरु जी से और बहुत ही अच्छा लगा। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुरु जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। मैंने हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ प्रोफेशन, बट इन्होंने कहा कि सर ने कहा कि आपको आना है गुरुजी को, कि मैंने ये ऐसा है प्रोग्राम, तो मैंने कहा गुरुजी थोड़ा लेट हो गया, मैं हॉस्पिटल से आती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें आना ही है, और मैं 5 बजे से यहाँ आके बैठी हूँ। एंड इट इज रियली माई ऑनर। मैंने थोड़ा सीखा है गुरु जी से, बट अभी कंटिन्यू करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर। अब आज के सिंगर का जो जन्म हुआ, उनके जो जन्मदाता है, माता पिता है, जरा इनके तालियों से जोरदार स्वागत हो जाए और क्या अपनी राय है वो कहना चाहते हैं। नमस्ते, सबको नमस्कार है, और मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। सब लोग आए, सबने देखा, और गुरुजी ने जो हीरा तराशा है वो उसको कोई नहीं समझ सकता है, वो गुरु ही समझ सकते हैं। वो तो एक पत्थर था काला, जिसको उन्होंने तराश के हीरा बना दिया। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जितेंद्र पापा, आप बोलिए बोलिए, प्लीज 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 बोलिए बोलिए। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद पापा जी, वीरेंद्र जी, राजीव जी, बहुत दिन जी आए, जिस परमात्मा की वजह से आज हम लोग यहाँ हैं। हम कोशिश पूरी 100% कर सकते हैं, लेकिन फल जो मिलता है वो उस परमात्मा की तरफ से मिलता है। हम लोगों का लक्ष्य यही है, बच्चे का भी यही लक्ष्य है कि मैं 100% मेहनत करूँगा, बाकी जो हुआ वो देखा जाएगा, उसको लिए अपन नहीं सोचते। बाकी गुरु जी की बहुत बहुत मेहनत है, उनके बहुत बहुत शुक्राने हैं, और बाकी सबके भी बहुत बहुत मेहनत है। सबका धन्यवाद, आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पे देख लीजिए भाई, यहाँ पे थैंक यू। ऊपर करण, लोगों ने अप्रिशिएट तो किया ही, अगर 2 लाइनें हो जाए आपकी आवाज में। बिल्कुल हो जाएंगे। जज्बात चाहता हूँ, एक बात चाहता हूँ, जज्बात 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 चाहता हूँ, एक बात चाहता हूँ, तुझसे तेरी नजर की, तुझसे तेरी नजर की सौगात चाहता हूँ, तेरी नवाजिशों से, तेरी नवा
साजिशों से मंजर बदल गए, पल में ख्यालात के मौसम बदल गए। हाय जब से तुझे देखा है। Thank you, sir, and all the best. Thank you.